घर से शौच के लिए जा रही एक नाबालिग के बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। दुष्कर्म के इस कुकृत्य की घटना को अंजाम देने का आरोप पीड़िता ने अपने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के पर लगाया है, जहां घटना के बाद से आरोपी लड़का घर और गांव छोड़कर फरार है। मामला रविवार के बीती रात बड़हरा प्रखंड के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र गांव की बताई जा रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर जैसे स्थानीय थाना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़ित बच्ची को गंभीर अवस्था में मेडिकल जाँच के लिए आरा सदर अस्पताल ले आई। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम आरोपित को पकड़ने के लिए उसके घर गई, लेकिन वो घर पर नहीं था और उसकी मां भी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के पिता अनस मियां को पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। वहीं पीड़िता के पिता ने घटना के संबंध में बताया कि उनके गांव में मुसलमान जाति के लोग का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ रहने वाली बहन बेटियाँ अकेले घर से निकल नहीं सकती। कल रात में उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी, उन्होंने मना करते हुए कहा था कि घर में ही शौच चली जाओ, लेकिन वह गर्मी होने की बात कह कर नहीं मानी और चली गई। जिसके बाद गांव में ही एक मंदिर है जहां अंधेरा रहता, वहीं पड़ोस में रहने वाले आरोपित लड़का बैठा था। उसने बेटी से पूछा कि कहां जा रही हो, तो उसने डांटते हुए कुछ कह दिया। इसके बाद वह बच्ची को कंधे पर उठाकर बगीचे में लेकर चला गया। बच्ची घर आई तो उसने अपनी माँ को इस घटना की जानकारी दी। बेटी के साथ पूरा मामला बताइए। देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान है मेरा, और अपने दुकान पर मैं अपने बैठे था और मम्मी से खाना बना रही थी, तो बोली कि मम्मी कहीं, मम्मी हम जा रहे हैं शौच करने, लाइटिंग करने, तो गई। उसके बाद शैम्पू स्टैंड बगल में है, वहाँ तक लाइट है, तो बगल में एक सती माई है, तो सती माई के आगे अंधेरा है, तो वो लड़का भी पर बैठा था सती माई के पास में। उसके बाद बोले कहाँ जा रही है, तो क्या बोला कुछ बोली वो, बस वहाँ से आगे कंधे पर टांग लिया, कंधे पर टांग लिया। उसके बाद अंधेरे में खेत है उधर, हैं बगीचा में ले गया कि खेत में ले गया, और फिर ठीक 8:15 बजे में लड़की आई, तो हमसे नहीं बोली, अपने सीधे मम्मी के पास रोती हुई चली गई। तो मम्मी देखी तो पूरा लथपथ हुई है, उसको ले जाकर घर में सुला दिया। क्या बताइए अपनी मम्मी से, क्या बताए? ये देखो मम्मी नहीं बता रही थी कि पिटाएंगे घर में। फिर हम ये मम्मी बताई उसकी, ऐसा ऐसा बातें देखी ना, ऐसे ऐसे हुआ है। क्या हुआ था उसके साथ? उसको मतलब रेप किया, पैंट खोल का पूरा ब्लॉडिंग से खून से लथपथ हो गया। कौन रेप किया है उसके साथ? मोहम्मद ढूंढ। कहाँ का है वो रहना? ढूंढी का। क्या नाम है उसका? मोहम्मद ढूंढ। कितने घंटा उसको रखा है जी? कितने घंटा उसको अकेले रखा है? कम से कम आधे घंटा या आधे घंटे से ऊपर ही। आप लोग को मालूम नहीं चला है? कुछ नहीं मालूम चला। कोई पहले से इसके साथ प्रेम प्रसंग भी? कुछ नहीं। जबरन रेप किया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश विश्वकर्मा। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, आलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।